भाई नहीं लग रहा ना, भाई नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा ना, मैं पास। बहुत दिन के बाद ये बाहर ही निकली, इससे पहले तो बाहर निकल ही नहीं रही, मतलब मैं निकाल ही नहीं रहा, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ, मतलब निकाल ही नहीं सकती थी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुकी है सुबह और अभी बज रहे हैं 7। चाय वाय सब कम्प्लीट हो चुका है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है रात से, और यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं जिसको मुझे अलमीरा में रखना है, और टीवी को कर देंगे अब बॉक्स के अंदर क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। जब ये बनेगा तब देखा जाएगा, जब तक इसको बॉक्स में पैक करके हम लोग रख देने वाले हैं। और यहाँ देखिए अमरा के अचार में पूरा मसाला पड़ चुका है, बस इसमें भी अब धूप लगेगा, बाकी ये भी अचार ऑलरेडी रेडी है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा चावल जो रात का बचा था वो दे दिया है, कितने भी पंछी ये लोग आके यहाँ पे खाते हैं। पहले से यहाँ पे चिड़िया के लिए चावल पड़ा हुआ है, लेकिन बना हुआ चावल तो कौवा खाएंगे, कौवा महाराज। ये पानी भी दे दिया, ये लोग पानी भी पियेंगे, चलो चलो जाओ। तो जो चावल दिया था ना उन लोगों को, ख़त्म कर दिया खा के उन लोगों को, इतनी भूख लगी थी, मैं दोबारा से दे दूँ। काफ़ी हैरान हो गए कैमरे पे देखे देखिए, पता नहीं ये क्या है, क्या है ये, खाने से पहले बार बार कैमरे पे ही देख दी है क्या। तो आप लोग भी हमेशा अपने घर के खिड़की पे या फिर बालकनी में या फिर छत पे इसी तरह से जो भी रात का बचा है चावल वगैरह जो भी अगर नहीं दिया तो भी चावल पानी रख दिया करें, क्योंकि उन लोगों को भी जब भूख लगता है तो वो लोग भी खाने की तलाश में निकलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इन लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी मैं जैसे बालकनी में आई तो मुझे किसी चीज़ पे नज़र पड़ गई, बहुत इंटरेस्टिंग सा, मैं एकदम हैरान हो गई देख के, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम है हमारे छोटे से गार्डन में कि इतने सारे हिबिस्कस एक साथ खिले हैं। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा सच में मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना ये देख के। कली उनको बोल रही थी कि देखिए कितना सारा कली ले चुका है, रेड रेड एक साथ 5। आई एम सो हैप्पी। तो मैं नाश्ता ही बनाने जा रही थी, लेकिन अचानक से जब मेरी नजर पड़ गई ना तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पहले दिखाऊं मैं ये चीज। तो ठीक है, अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अभी मैं डालूंगी इसमें ऑयल, और अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ प्याज और सूखी लाल मिर्च। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नमक का डब्बा चेंज, क्योंकि डब्बा जो है वो टूट गया है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये पूरा क्रैक हो गया। तो जब कोई चीज़ टूट जाए इस तरह से उसको यूज़ किचन में मत किया करिए, बस इसमें ये स्पून डाल दूंगी। ये वाली जो भुजिया है ना, इसके प्याज को आप अगर बहुत अच्छे से लाल करते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जब भी लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आता कि नाश्ते और खाने में क्या बनाया जाए, आई थिंक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वो यही है, आलू का भुजिया। तो डायरेक्ट दिमाग में यही आता है कि चलो आलू का भुजिया बनाते हैं, फिर आलू का भरता बनाते हैं। यहाँ पे भी गुवाहाटी में भी जब भी अगर हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि खाना नाश्ते में क्या बनाए, तो पापा बोलते थे बेटा आलू का भुजिया बना दो थोड़ा सा। तो क्या आप लोग के घर में भी जब आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग भी यही रेसिपी ट्राई करते हो? अगर इस वाले भुजिया में आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर कूट करके डालते हो ना या पाउडर, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
इसको ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। फाइनली लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन 5 बजे तक सब वापस से क्लोज हो जाता है, तो हम लोग आज जा रहे हैं बाहर। और आज मनोहर भैया का बर्थडे भी है तो उनके लिए गिफ्ट भी लेने हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। और अभी भी वही रूल्स है कि दुकानें भी अल्टरनेट डे पे ही खुल रही है। निकल रहे हैं और मास्क के बिना मत निकलिए घर से, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें अपना सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। और आज चेतक ने, आज हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि चेतक को पापा लेके गए हैं। और आप लॉन्ग ड्राइव पे गए और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू ये जो मैंने सनग्लास पहना है इन्हें गिफ्ट किया। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है इन पे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब से मैं दिया है मैंने इनको, ये सेकंड टाइम पहन रहा है आई थिंक। हम लोग जा रहे थे तो अचानक से मेरी नज़र इस पे पड़ गई और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला स्टैंड। तो इसका प्राइस मैंने पूछा अंकल से, उन्होंने बताया इसका प्राइस 550 रुपीज़ है। ये कॉर्नर वॉल में लग सकता है ना हमारे? हाँ ये आराम से लग सकता है। किचन में कॉर्नर, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, देखते हैं 500 के अप्रोक्स है ना ये, तो ऑनलाइन देखते हैं। इतना गर्मी है बाहर में, काफी ज्यादा धूप है, तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे नारियल पानी के स्टॉल। एक और से टेस्ट, पानी काफी ज्यादा मीठा है, काफी ज्यादा मीठा है। इसका मैं मलाई भी खाऊंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो यहाँ पर अभी नारियल पानी पी जा रही है, बहुत मीठा सच में यार। पार्टी में क्या था ना अक्सर हम लोग पापा जब भी लेके अस्पताल पे जब भी आता था नारियल पानी, तो हम लोग खुद अपने हाथ से उसको काट। छोटी सी बच्ची जो है वो पॉपकॉर्न बेच रही है, लेकिन हम लोगों को नहीं चाहिए था, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। बच्ची कब से पॉपकॉर्न के लिए बोल रही है कि ले लीजिए, पर हमें नहीं खाना था, पर कोई बात नहीं। और अभी निकलते हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिग बाजार। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आए तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तब आप अपने लिए क्या शॉपिंग करने वाले? अपने लिए तो पता नहीं यार, बट अभी जो मनोहर भाई के लेना है ना, पहले उनके लिए देख लेते हैं। हाँ। आपके लिए ये वाला टी शर्ट आपको कैसा लग रहा है? एकदम बेकार है यार, बहुत यूनिक कलर है, बहुत ही फाइन कलर है, कैसे बोल रहे हो बेकार है? पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इसको ब्लू डीप ब्लू जीन्स के साथ वेयर करोगे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आप मेरी बात मानो। I don't like. ये कलर कैसा लग रहा है? ऐसे उदास से कलर है। ये उदास कुछ नहीं है, उससे जो तो ये है। हाँ, आपको बस ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है ना, ये व्हाइट वाला बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा, सिंपल और प्यारा है। ये देखिए, मैं बोल रही थी ना ब्लू जींस के साथ, और यहाँ पे डमी में पहनाया हुआ भी है। नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं। भाई नहीं लग रहा ना, पास से ले जाके देखिए। भाई नहीं लग रहा ना, आप थोड़ा पास से, नहीं लग रहा ना, मैं पास से दिखा रहा हूँ, नहीं और पास नहीं जाऊंगा। दूर क्यों जा रहे हो? लो पास आ गया, कितना प्यारा है। नो नो नो, इनको लग रहा प्यारा बट मुझे नहीं। तो अभी मेरे को लेना है हाफ पैंट, तो ये है और अभी पसंद किया जा रहा है ये वाला, ये तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। दिस वन, ये सब नहीं, दिस वन दिस वन दिस वन अच्छा है, पर आपके पास तो ब्लू तो बहुत दिन से पहन रहे ना, ये या फिर इन तीनों में से कुछ, या फिर इस साइड आ जाओ, ये देखो लीनिन में भी है, ये बहुत कंफर्टेबल होगा, इससे ज्यादा तो ये कंफर्टेबल। कौन सा वाला? इससे ज्यादा ये वाला कंफर्टेबल।
बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो आपको अगर ये लेना है, ये लेना तो ये ले लीजिए आप, नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे दिख गया है किचन का सामान, तो मैं यहाँ रुक गई हूँ। किचन का जब सामान दिखता है तो हम लेडीज लोगों को इसके अलावा कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है। बस मेरा मन कर रहा है मैं देख के जाओ, जो मन चाहे बस लेके चली जाओ यहाँ से अपने घर के लिए, अपने सरस किचन के लिए। वाला शर्ट मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, काफी कूल सा है ये वाला, और ये भी बहुत ही प्यारा है लग रहा ना, ठीक ठाक है। इनको पसंद ही नहीं आता ये सब, मटर गश्ती नाम तो रख लिया लेकिन ये कैसे, ये हाँ ये ओल्ड ओल्ड है, ये बहुत बहुत पुराना डिजाइन, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये दोनों हम लोगों ने फाइनल किया, बताइए आप लोग की कैसा लगा। ये कम्प्लीट और कल भी हम लोग घर के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बिग बाज़ार आके, बहुत दिनों के बाद आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। अभी मैं कुछ देख रही थी नेल पेंट वगैरह, लेकिन ये आ गए स्कूटी लेके महाराज, और वो बुला रहे हैं। बहुत दिन के बाद ये बाहर ही निकले, इससे पहले तो बाहर निकल ही नहीं रहा, मतलब मैं निकाल ही नहीं रहा, मतलब लॉकडाउन लगा, मतलब निकल ही नहीं सकते थे। हो गया बस।